2000 के नोट बंद होने के बाद जैसे ही सामने आए तो लोगों के मन में कई विचार भी उठने लगे कि आखिरकार ये नोट क्यों बंद किया गया। कुछ ने इसे सही ठहराया तो कुछ ने गलत। आइए जानते हैं नोटबंदी को लेकर बुरहानपुर की जनता की क्या राय है। 2000 के नोट वापस लेने का फैसला सही है? बहुत सही फैसला है वो। क्या इसके पीछे काले धन पर काबू पाने की मंशा या कोई राजनीति? नहीं, काले धन पे काबू पाने के लिए है वो। इससे आम जनता को परेशानी थी होगी? कोई परेशानी नहीं होगी। कि नोट वापस लेने का फैसला किया, क्या सही है? एकदम सही है। क्या इस फैसले के पीछे काले धन पर काबू पाने की मंशा या राजनीति? एकदम सत्य बात है, राजनीति है। या क्या काले धन लाने की वापस लेने की वो है? ये 2000 के नोट तो पहली बात तो मार्केट में आना बंद हो चुके थे और अब मार्केट में आना चालू हो गया। इससे जो अर्थव्यवस्था है वो भी सुधर जाएगी और जो काला धन जितना भी दबा हुआ है वो सब बाहर आएगा। क्या आम जनता को इससे बड़ी परेशानी होगी? आम जनता को कोई परेशानी नहीं होगी। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर ये कहना चाहूंगा कि 2000 के नोट आ रहे हैं, अब रोज का व्यापार भी प्लस हो रहा है, कहने का मतलब मार्केट में पैसा घूम रहा है, जो काला धन है बाहर निकल रहा है और रूलिंग भी घूम रही है पूरी मार्केट में। जो भी गवर्नमेंट फैसला ले रही है बहुत अच्छे से ले रही है, विचार करके ले रही है। इसके लिए मैं बहुत कहने का तो बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम आम आदमी की गवर्नमेंट सोच रही है आम के बारे में। नहीं, वापस लेने का फैसला क्या सही है? नहीं, फैसला सही नहीं है। क्या इससे काले धन में काबू पाने की मंशा है? काले धन बाहर ही आएगा ना उससे तो। ये राजनीतिक स्टंट तो नहीं लग रहा है? नहीं, राजनीति काहे को होगा। क्या इस फैसले से आम जनता को परेशानी होगी? परेशानी क्यों नहीं होगी, परेशानी पहले भी हुई थी, 5000 के नोट बंद होते तो परेशानी पहले भी हुई थी, परेशानी अभी परेशानी होगी, बैंक में लगना पड़ता है बैंकों को। देखिए, सर्वप्रथम तो 2000 रुपए के नोट जारी करने का फैसला ही गलत था। 2000 रुपए के नोटों का इस्तेमाल काले धन को जमा करने के लिए किया गया है और अब जब RBI 2000 रुपए के नोट वापस ले रहा है तो इससे भी आम जनता को परेशानी ही होने वाली है। और सरकार से ये सवाल है कि क्या 2000 रुपए के नोट जारी करने के बाद काला धन पूरी तरह से समाप्त हो गया अर्थव्यवस्था से या भ्रष्टाचार बंद हो गया है? तो सरकार की 2000 रुपए के नोट जारी करने के पीछे की ये दलील भी समझ में नहीं आती और RBI का ये फैसला फिलहाल तो हालात ही समझ में आता है क्योंकि इससे आम जनता की परेशानी ही बढ़ जानी है जबकि ये नोट चलन में आ चुके थे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।